बिसम रहीमक़ुम क्लास दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्रार अहमद योर क्लास टीचर आई एम टीचिंग यू पाकिस्तान स्टडीज़ और यू होप यू आर सेफ टुडे आवर टॉपिक इज वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक द टॉपिक इज़ जियो स्ट्रेटिजिक्स ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक इम्पोटेंस क्या है दुनिया में वर पाकिस्तान स्टैंड जियो पोलिटिकली जियो स्ट्रेटजिकली ये हमारा टॉपिक दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज पाकिस्तान हैज़ बिन वेरी इम्पॉर्टेंट सिंस इस इंसेप्शन जब से पाकिस्तान बना तो उस वक्त से पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हमेशा से रही है तो ये हम देखेंगे कि पाकिस्तान की अहमियत क्यों रही किन फैक्टर्स की वजह से है इसकी जोग्राफ़ी की वजह से है इसकी लोकेशन की वजह से है इसके रिसोर्स की वजह से है तो ये सारे चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर लेक्चर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन जियो स्ट्रेटजिक एंड जियो पोलिटिकल दीज आर द टू कंसेप्ट दैट मस्ट बी डिफाइंड और डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक जियो रेफर्स टू द अर्थ और जियोग्राफी जियो जैसा कि ये है लफ्ज़ से ही हमें लगता है It's relating to Earth or geography. Strategy means planning, tactics, and policy. So, geo strategy is refers to the Earth geography and its planning. Strategic refers to comprehensive and planned measures to achieve a central goal or to vital assets of military significance that means for the vested goals for military significance for achievements a comprehensive plan are called A plan is called strategic geopolitical reflects the combination of geo, geographic and political factors determining the condition of a state or region जियोपोलिटिकल जो है वो ज्योग्राफिक और पोलिटिकल फैक्टर्स जो उस मुल्क या उस स्टेट की कंडीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं बेसिकली वही उसे अहम बनाते हैं वही उसे कमज़ोर बनाते हैं वो फैक्टर्स वो जियोपोलिटिकल कहलाते इम्फिसाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी ऑन पॉलिटिक्स मोर ओवर ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ कंट्री प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉर दैट कंट्री दैट मीन्स इसका सारे को हम समझना स्टूडेंट्स हम इस तरह समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी या जियोस्ट्रेटिकली दैट इज द बेसिकली द्लानिंग ऑफ एनी स्टेट फॉर इट्स वेस्टड इंटरेस्ट और मे बी इंटरेस्ट वो बहुत किस्म के हो सकते हैं मिलटरली हो सकते हैं इकनॉमिकली हो सकते हैं कल्चरली हो सकते हैं जो भी है उसके लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है और वो में अचीव करती हैं दैट इज़ जियो स्ट्रेटजिक एंड जियो पोलिटिकल जो है वो जिस जगह पर रह रहे होंगे और उसके पोलिटिकल फैक्टर्स उसकी पॉलिटिक्स उसकी लोकेशन उस कॉम की या उस मुल्क की जो कंडीशन होती है उसको अहम करते हैं या उसकी कंडीशन को डिटरमिन करते हैं सो जियो स्ट्रेटिजिक इम्पॉर्टेंस दैट इज दैट प्लेज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड पोलिटिक्स फॉर कंट्री फॉरन स्पेस सो लोकेशन एंड द रिसोर्स एंड जियो पोलिटिकल फैक्टर्स ये हमेशा से अहम रहे हैं और अहम रहेंगे इट मार्क्स दैट हाउक्रेटिकली बेनिफिशल इज द कंट्री टू अदर्स टू अदर कंट्रीज इन सोशल इकनॉमिक एंड पोलिटिकल रिस्पैक्ट इसका मतलब है ये है कि ये एक मलक दूसरे ममालिक के लिए सोशली इकनोमिकली और पोलिटिकली कितना अहम हो सकता है जियो स्ट्रेटजिक मर्जिज स्ट्रैटजिक कॉन्डरेशन विद जियो पोलिटिकल वनस जियो स्ट्रेटजिक मीन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्री और रीजन बाई वर्चू ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन दोबारा से इसको हम देखते हैं दोबारा से इसको डिफाइन जियो स्ट्रेटजिक मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ किसी मुल्क की अहमियत किसी रीजन की अहमियत उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से तो उसको हम जियो स्ट्रेटजिक कहते हैं जियो स्ट्रेटजिक जो हैं कुछ इस तरह से ब्लॉक्स हैं कुछ इस तरह से मुल्क हैं लाइक नेटो इस्लामिक काउंटर टेररिज्म कोलिशन आई एम सी टी सी एंड वॉर्स अपेक्ट इज जियो स्ट्रेटजिक मिलिट्री अलायंसिस तो जियो स्ट्रेटजिक मिलिट्री अलायसिस बनते हैं फॉर देर टू फुलफिल देयर जियो स्ट्रेटजिक वेस्टेड इंटरेस्ट कमिंग टू पाकिस्तान पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री बाई इट्स लोकेशन जियो And Pakistan is a republic of Islamic Republic of Pakistan that's situated on the very important geo geographical location, the mountainous region adjoining the Central Asia. From when, one end to other end, we are entering point for the Middle East, and uh, thirdly, we are co connecting. चाइना विद अदर स्टेट्स सो पाकिस्तान इज फिफ्थ लार्जेस्ट पापुलेशन वाइज एंड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सो जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान सबसे पहला फैक्टर है पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर सी पैक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सी पैक के बारे में सुना होगा और सुनते भी होंगे ये बेसिकली पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिवज़ इनिशिएटेड बाई शी जिंग इन ट्वेंटी थर्टीन एंड इट वॉज रिवाइवल ऑफ ओल्ड एनशेंट सिल्क रोड जो एंशेंट सिल्क रोड था जो पहले लेक्चर में एक में मैं इसको डिस्कस करके गया था मुस्लिम एडवेंट में कि मुसलमान जो हैं, मुसलमानों की तजारत वो खुशी के रास्ते से भी होती थी और आ, पानी के रास्ते से भी हो जो खुशी का रास्ता वो सिल्क रूट के जरिए होती थी एंशियन सिल्क रूट का रिवाइवल है बेसिकली वन बेल्ट वन रोड एंड चाइना हैज़ गिवन द इकनॉमिक गवर्नेंस ऑर्डर इन 2013 दैट इज कंपोजिशन ऑफ मेरी सिल्क रोड एंड लैंड रूट्स या इकोनॉमिक कॉरिडोर सो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ वन पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट इट्स अ गेम चेंजर मेगा प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान एंड चाइना एज वेल ये दोनों के लिए अहम है दैट्स वाई दैट्स वाई पाकिस्तान इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर चाइना एंड फॉर पाकिस्तान चाइना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट्स वाई the two countries they they have been in a friendship for 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 decades and uh, like uh, like brothers because of china uh, pakistan economic corridor there will be a network of roads connecting kashgar to persian gulf first of all strategically which is the motive of china via gwadar port

ending in Gawadar. So industrial zones are also identified along these routes and uh, every province in Pakistan, uh, they have identified like uh, Punjab. I think 12 are uh, saying that or or is the Balochistan 18? economic zones. For example, in Punjab, Faisalabad, विहाड़ी रहीम यार खान लाहौर बलवाल ये इकनॉमिक जोर बन रहे हैं और इस तरह रेलवे को जो है वो आ, रिवैंप किया जा रहा है एम वन एम टू एम ये लाइंस बनाई जा रही हैं फॉराम ग्वादर टू काशगर एक लाइन बनाई जाएगी रेलवे लाइन इस्टेब्लिश की जाएगी और सर मेजर लाइंस जो हैं वो आ, जो ग्वादर को जोड़ी जाएंगी उनको दोबारा से रिवैम्प किया जा रहा है या फिर सोफिस्टिकेट किया जा रहा है सर वन पाइपलाइन विल बी इस्टेब्लिश फ्राम गवाडर टू काशगढ़ ये बिल्कुल साथ साथ जाएगी और ये ऑयल पाइपलाइन होगी अच्छा वट आर द बेनिफिट्स फॉर चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर की वजह से चाइना के लिए एक तो एक्सेस टू परशियन गल्फ दैट इज़ वेरी ईजी वेरी चीप वेरी शॉर्टेस्ट रूट राइट एंड चीपर रूट नेक्स्ट ये है कि इफ चाइना It remains a hold on Gwadar port then that means China has a US check on US, US presence in Persian Gulf so that's why for cheaper route for shortest route to check the presence activities of India and US in Persian Gulf in Arabian Sea सो इकनॉमिक कॉरिडोर इज़ बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान हॉट इज़ बेनिफिशियल इंडस्ट्री लगेगी रोजगार बनेगा रेलवे पाइपलाइंस इकनॉमिक जोन नए सिटी जैसे गवादर बन रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए इसके फवादे होंगे इसलिए पाकिस्तान पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइना नीड्स पाकिस्तान टू एक्सप्लोर टू पर वाइड

अदर पोर्ट्स लाइक अगर चाइना अपनी पोर्ट्स यूज़ करता है वो फॉर सम मंथ्स ड्यू टू स्नो वो बंद हो जाती हैं देट इज़ वार्म वाटर डीप सी डीप पोर्ट और पूरा साल ये चलती है और यही है बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मरक़ कि एक नई पोर्ट बननी और उस पोर्ट को उस पोर्ट के ज़रिए पूरी दुनिया के साथ रबता किया जाना चाइना का दिस इज़ अंट्रल आइडिया चाइनीज़ स्टेट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे चाइना जा रहा है जो एज अ वेयर हाउस वेयर हाउस बनेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट की जाएंगी अफ्रीका को और दूसरे ममालिको और इवन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को सो दैट्स वाई ये दूसरा है कि आ, इसके अलावा ग्वादरपोट जो है दैट प्रोवाइड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया बेसिकली लॉन्ग लैंड लॉक कंट्री है और उसके लिए अगर एक्सेस प्रोवाइड करनी है तो बेस्ट रूट चीपेस्ट रूट शॉर्टेस्ट रूट इज़ फ्राम गवादर येस ऑन अदर हैंड चाह बहार जो इंडिया ने ईरान की बेसिकली पोर्ट है जो जिसका इंतज़ाम इंडिया के पास है वो भी सेंट्रल एशिया तक एक्सेस के लिए बनाए लेकिन दैट इज़ यू नो वेरी लॉन्ग रूट दैट इज़ नॉट फीजिबल एज़ कंपेयर टू गवाद रिपोर्ट चाइनाज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चाइना को ज़ाहर एनर्जी चाहिए सबसे बड़ी बाधी है दुनिया में सो ऑल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफ़िल्ड फ्राम पर्शियन गल्फ अब पर्शियन गल्फ से अगर वो चलते हैं इंडियन ओशन को स्टेट ऑफ हॉर्मज को क्रॉस करते हैं फिर स्टेट ऑफ मलाका को क्रॉस करते हैं फिर वो जाकर चाइना में जाते हैं और पैंतालीस सौ किलोमीटर का फासला है इधर वो पर्शियन गल्फ से निकलते हैं ग्वादर पोर्ट पर आते हैं वहाँ से 2500 किलोमीटर है चाइना सो वो 4500 सौ किलोमीटर ठीक है या 2500 किलोमीटर ठीक है लिहाजा इसलिए शॉर्टेस्ट रूट है गवादर से काशगर्द ये चाइना तक तो इसलिए गवादर पोर्ट जो है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है पैसे बचाती है और यहाँ से एक पाइप जो है वो सीधी चाइना जाएगी ऑयल पाइप लिहाजा इसलिए china acha may be a confluence of civilization that can be a gateway for the civilization because almost all the countries they are interested in in, in, in gwadar to utilize the gwadar almost major countries they, they are they are agree टू इन्वेस्ट देयर टू टू इस्टेब्लिश देयर इकनो फैक्ट्रीज और मे बी अपनी कंपनीज यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तैयार हैं तो लिहाजा ये कॉन्फ्लुंस हो सकता है लाइक दुबई लाइक अदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गेट वे टू सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया एज आई हैव टोल्ड दैट इट इज़ लैंड लॉक कंट्रीज सेंट्रल एशिया बेसिकली 1991 में जब रशिया टूटा तो उसके बाद जो छः मुस्लिम स्टेट्स uh, थी काजस्तान ताजिस्तान उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये सारी जब ये आज़ाद हुईं तो उसे सेंट्रल एशियन स्टेट्स पहले भी कहते हैं खैर ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी स्टेट्स The Central Asia is a center, center stage of new great games. Energy resources, oil, and in Central Asia, because of these resources, China is very close to these Central Asian states. China can influence the shipment of oil and to reach Central Asian states. Iran is struggling to export its surplus gas and oil to eastern countries cutter pakistan turkmenistan pipeline project highlight the position in the energy world pakistan can provide access from energy efficient to energy deficient states the pakistan can provide easy way accessible way cheap way टू द वर्ल्ड टू इंट्रैक्ट विद सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया के साथ रबता करने के लिए पाकिस्तान एक गुजरगा एक अच्छा एक सस्ता रास्ता प्रोवाइड कर सकता है कहने का मतलब सेंट्रल एशिया जो है वो मिडल ईस्ट के बाद सबसे ज़्यादा रिजर्वाज अगर हैं तो सेंट्रल एशिया के पास हैं लिहाजा सेंट्रल एशिया के गिर्द दु, दुनिया की सियासत अब घूम रही है और लिहाजा पाकिस्तान इस हवाले से अहम है पाकिस्तान चूंकि उनको कोई रास्ता नहीं लगता तो पाकिस्तान के जरिए वाया अफगानिस्तान उनके लिए बेस्ट और चीपेस्ट रूट है पर्शियन गल्फ पर्शियन गल्फ़ जो मैंने पहले भी कहा पर्शियन गल्फ इज़ अ बेसिकली दैट इज़ सराउंडेड बाय यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया बहरीन कतर, कुवैत, इराक एंड इट्स वेरी नियर टू गवादर पोर्ट एंड गवादर पोर्ट कैन प्रोवाइड कैन प्रोवाइड एक्सेस टू गल्फ़ ऑफ उमान टू दीज कंट्रीज दे आर रिच इन एनर्जी रिसोर्स वर्ल्ड लार्जस्ट नेचुरल गैस रिजर्वाज आर देर पाकिस्तान कैन चेक द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन टू गल्फ स्टेट सो पाकिस्तान जो है उस हवाले से बहुत अहम है दुनिया के लिए ग्वादर पोर्ट इस लिए बहुत अहम है चाइना के लिए बहुत अहम है यूएस के लिए बहुत अहम है इंडिया के लिए बहुत अहम है कि अगर गवादर पोर्ट इस्टेब्लिश हो गई तो वहाँ पे चाइना आ जाएगा या पाकिस्तान की जो नेवी है वो हमारी प्रेजेंस हमारी एक्टिविटीज़ को वो चेक कर सकती है स्टॉप कर सकती है लिहाजा पाकिस्तान जो को गेट समझा जाता है पर्शियन गल्फ के लिए और गेट ही समझा जाता है मिडल ईस्टर्न स्टेट्स के लिए लिहाजा पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से ये सारा कुछ है दैट्स वाई लिंक टू मुस्लिम और इस्लामिक वर्ल्ड पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्टेट दैट इज बेस्ड ऑन आइडियालॉजी सो आइडियालॉजी बेस्ड ऑन इस्लाम दैट्स वाई इन मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान इज अ स्टेट विच इज विच इज अटोमिक कंट्री which is atomic power, geographically Pakistan is situated at the center of Islamic countries of Africa and Asia. It is linked to, the, to these Muslim states through land and sea routes, thus not only its ideological background but its geographical centrality necessities that it supports. The unity of Muslim world. Pakistan provide a platform for the mutual alliance and unity of the Muslim world. So being a Pakistan, uh, uh, एक uh, जैसे ही नजरियाती मुलक था, Pakistan को यही का मतलब यही था कि Pakistan can lead a world. Pakistan can will provide a unity जैसा कि हमारे आइन में भी है और मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम उम्मा की बात की गई इसलिए पाकिस्तान जो है दरमियान में है और पाकिस्तान कैन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर म्यूचुअल अलाइंस एंड मुस्लिम यूनिटी डेट्स वाई पाकिस्तान इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेट टॉमिक स्टेट इस हवाले से भी जहा है अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुस्लिम उमा को देता है तो पाकिस्तान देता है इसलिए पाकिस्तान बहुत अहम है दुनिया के लिए इंडो यू एस हजमनी इन इंडियन ओशन जैसा कि पहले मैंने बात की इंडियन हेजमनी इंडियन ओशन में वो ज़ाहर है डोमिनस तो है एंड uh, और वो भी फॉर इमरजिंग पावर आई मीन टू से चाइना इंडिया हैज़ शेड इंटरेस्ट विद यू एस एंड नेटो इन सब्जेक्शन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान को चेक करने के लिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए उजाहरे यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो के साथ उनके मुफादात जुड़े हुए लिहाजा एक और है कि एशियन टाइगर बनने के लिए फ्रॉम यू एस इंडिया इज़ बैक्ड दैट टू बिकम एशियन टाइगर लिहाजा इंडिया को चाइना के बराबर खड़ा करने के लिए अमेरिका जो है दैट इज़ ट्राइंग पाकिस्तान ट्राइंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो एशियन टाइगर बन जाए और दूसरी तरफ जो है चाइना ऑलमोस्ट बन चुका है लिहाजा ये भी एक फाइट है और दूसरे स्टिंग ऑफ पल्स स्टिंग ऑफ पल्स मींस कि घराव करना स्टेट ऑफ मलाका मैंने कहा है ये आ, आप ये कह लें कि फिलपीन से पार्ली साइड पे है और स्टेट ऑफ हॉर्मस ये गवादर पोर्ट से जब पर्शियन गल्फ़ की जाते हैं तो वहाँ पे तंग रास्ते हैं ये बेसिकली तंग रास्ते हैं और यहाँ पर जो है वो स्टॉप किया जा सकता है चाइनीज़ चाइनीज़ शिपमेंट्स को चाइनीज़ ट्रांसपोर्टेशन को चाइनीज़ ट्रेड को तो इस तरह से इंडिया और यू ने मुख्त जगह पर अपने चेक पॉइंट्स बनाए हुए आई मीन टू से I mean उन के साथ इंफ्लुंस करके कि दे कैन स्टॉप एनी टाइम चाइनीज ट्रांसपोर्टेशन और फ्लो ऑफ ट्रेड लिहाजा उसका फिर हाल चाइना ने सर्च निकाला कि चाइना हैज़ इस्टेबलिश्ड रिलेशन विद द मैनी कंट्रीज लाइक श्रीलंका की हम बटोडा पोर्ट उन्होंने ले ली और इसी तरह अदर पोर्ट्स की हैंडलिंग ले ली और उन से ताल्लुकात अच्छे कर लिए कल को उनकी तजारत को रोक न सकें और फिर सबसे बड़ी बात है कि गवादर में यहाँ पर आके चाइना ने कंट्रोल संभाल लिया और चाइना कैन चेक एनी टाइम यू इंडियन एंड यू एस प्रेजेंस फ्राम गवादर पोर्ट दैट्स वाई इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेट गेम वो चाइना का अपने इन्फ्लुंस कम हैज कम करने की कोशिश करें चाइना उनकी और चाइना इज़ बिकमिंग सक्सेसफुल क्योंकि चाइना ने तकरीबन तमाम ममालिक्लुक बहुत अच्छे कर लिए जो उसकी राह में या उसके फ्लो ऑफ ट्रेड में रुकावट बन सकता था एवन चाइना इज़ ऑफरिंग इंडिया को वो ऑफर कर रहा है और वन डे एक दिन आएगा जब इंडिया को चाइना के साथ एग्री करना पड़ेगा लिहाजा सो so, Concluding to this, Pakistan has a great strategic importance since its inception. It is geographically, its geography has been its great benefit. This, this is true. Pakistan has been has been uh, uh, very important for the world since its since 14 August 1947. It has resources, rich area in northwest, people rich in north east pakistan is a junction of south asia, west asia, central asia, a way for resources efficient countries to resource deficient countries. pakistan can provide a platform for the world to promote peace and prosperity and maybe pakistan can provide a basis for confluence of civilization in shape of uh, so on other hand pakistan is very important for the middle eastern countries for the muslim countries for the central asian for india for afghanistan and for china trade oil uh, requirements and strategic importance military importance so pakistan pakistan's importance will remain uh, Pertinent factor in future. Thank you very much student. Thank you for your patience and listening. So it was very uh, comprehensive lecture if you have any questions. So in class time I will be available to respond to your queries. Thank you very much. Allah Hafiz.